नमस्कार दोस्तों, अलकाज किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग स्प्राउट्स की रेसिपी, कि मूंग स्प्राउट्स को कैसे बनाया जाता है। ये देखिए ये कितने लंबे बने हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी साबुत मूंग की दाल ली है। इसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है। मैंने इस कटोरी के बराबर नाप लिया है, आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल दूंगी और इसको 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूंगी। इसे हम ढककर अच्छे से रख देंगे। 5 से 6 घंटे तक ये अच्छे से भीगी रहेगी। ये देखिए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं दाल को भीगे हुए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूल गई है और पानी का भी देख सकते हैं आप कितना कम हो गया है। तो अब एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। बिल्कुल इस तरह से दाल को रखा है, ये दाल बिल्कुल नमी है इसमें, और इसको ढककर हम 1 रात के लिए रख देंगे। पूरी रात इस ये दाल ऐसे ही ढकी रहेगी, आप चाहें तो ऊपर से कपड़ा भी रख सकते हैं। 1 रात के बाद आप देख सकते हैं दाल में से कुछ मूंग स्प्राउट निकल गए हैं, ये अच्छे से बनने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मुझे थोड़े लंबे स्प्राउट्स चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूंगी ताकि इनमें थोड़ी सी नमी आ जाए और एकदम ड्राई ना रहे। हल्का हल्के हाथों से हमें पानी का छिड़काव करना है, बस इतना कि इनमें नमी रहे और ये सूखे नहीं। अब इसको ढककर मैं 1 और रात के लिए इसको रख दूंगी। ये देखिए दूसरी रात के बाद हमारे स्प्राउट्स कितने अच्छे बन गए हैं और कितने लंबे भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत लंबा है, पूरा लगभग दाल से निकल चुका है। ये देखिए कितना लंबा बन गया है, इतने अच्छे स्प्राउट्स बने हैं। आप चाहें तो 1 रात के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े लंबे चाहिए थे। हम इनसे स्प्राउट चाट, स्प्राउट सैलेड और स्प्राउट्स परांठा या स्प्राउट्स करी कुछ भी बना सकते हैं। यह बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये खाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्प्राउट्स बने हैं। स्प्राउट्स परांठा कैसे बनाते हैं यह मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।